वेलकम बैक दोस्तों, ये है आपका सामने ऑल न्यू 2024 मॉडल जो मारुति सुजुकी का भाई फ्रॉन्क्स अल्फा टॉप मॉडल है। ये आपका सामने जो रखा हुआ है, ये 1000 सीसी में मिलता है आपको टॉप मॉडल अल्फा, क्योंकि ये टॉप मॉडल में आपको स्मार्ट हाइब्रिड ऑप्शन दिया जाता है माइलेज अच्छा देने के लिए। इसका सीसी कम रखा गया है। ओवरऑल इसका भाई फ्रंट लुक की बात करें तो आपको वही ग्रैंड विटारा वाला सिमिलर लुक देखने को मिलता है फ्रंट का। ये रहा कुछ इसका भाई सामने से नज़ारा आपको देखने को मिलता है, कुछ इस तरह यहाँ में आपको देखने को मिल रहा है जो आपका हेडलाइट सेटअप और DRL। ये है कुछ नीचे आपको LED में हेडलाइट, यहाँ में आपको स्टाइलिश मारुति सुजुकी का लोगो, और ये है कुछ आपका बम्पर का पैटर्न वगैरह, और बम्पर आपको डुअल टोन में देखने को मिलता है कलर ऑप्शन। यह है कुछ ओवरऑल सामने से इसका फ्रंट का लुक भाई। बाकी क्या कुछ है आपको डिज़ाइन वगैरह सब कुछ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा डिटेल में एक एक करके। यह है कुछ गाड़ी का फ्रंट का जो बोनेट का भाई चौड़ाई काफ़ी ये है अच्छा भाई है। आपका साइड से ओवरऑल गाड़ी का लुक, फ्रॉन्क्स का साइड से आपको ओवर व्यू कुछ इसी तरह देखने को मिलेगा भाई, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। जो आपका फ्रॉन्क्स काफ़ी बढ़िया कलर का साथ, और ये जो टॉप मॉडल आपका सामने रखा हुआ है, ये इसका लुक देख सकते हो आप, कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। बात करें तो आपको यहाँ में कुछ इस तरह देखने को मिलता है, जो डायमंड कट आपका अलॉय व्हील आपका यहाँ पे कुछ इस तरह, यहाँ में भी एक आपका मारुति सुजुकी का लोगो बैठ जाएगा। ये अभी खुला हुआ है शायद, ये आपको फिट करके दिया जाता है गाड़ी डिलीवरी के साथ ही। तो यहाँ पे आपको टायर साइज कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा, 60R16 का आपको टायर साइज देखने को मिलता है। डिस्प्ले सामने का कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, सिल्वर कलर का साथ क्लिपर डिस्प्ले का। तो यह है कुछ आपका गाड़ी का टायर कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा व्हील का ऊपर में प्लास्टिक पार्ट। और यह है कुछ आपका ऑटोमेटिक फोल्डेबल साइड मिरर जो कुछ इस तरह देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह बढ़िया हिसाब से भाई देखने को मिलता है LED में, मतलब टर्न इंडिकेटर। और यहाँ में आपको रिक्वेस्ट सेंसर का साथ बॉडी कलर डोर हैंडल मिल रहा है। यह है कुछ आपका डोर का क्लाइमेट, देख पा रहे हो क्या बोलते हैं भाई इसको, मैं क्लाइमेट बोल दिया। यह कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है जो सिल्वर कलर का साथ, सिल्वर एंड ब्लैक में। तो ये रहा कुछ आपका साइड का फिनिश वगैरह। और यह है कुछ आपका रियर व्हील, यहाँ में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है जो सेम वही साइज का आपको पीछे का व्हील देखने को मिलता है। यह है कुछ आपका गाड़ी का टायर का ग्रिप भाई, काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ में आपको देखने को मिल जाएगा एक रिफ्लेक्टर, और यह है आपका कुछ 4 रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिलता है भाई। और यह है कुछ आपका पीछे का गाड़ी का जो बम्पर का फिनिश पीछे का देखने को मिल रहा है सिल्वर कलर का साथ, काफ़ी बढ़िया लगता है फ्रॉन्क्स का भाई बैक प्रोफाइल देखने में भी। और यह कुछ आपका टेल लैम्प भाई, देख पा रहे पूरा आपको LED में देखने को मिल जाएगा। ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको LED में टेल लैम्प देखने को मिलता है, स्मार्ट हाइब्रिड यहाँ में लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा है। यह है कुछ गाड़ी का भाई रियर वाइपर, और यह है कुछ आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प, यहाँ में आपको वाशर देखने को मिल जाता है। और यह रहा कुछ आपका गाड़ी का भाई डिग्गी ओपन होता है तो मैं अभी आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ से अभी नहीं होगा, गाड़ी का अंदर से करना पड़ेगा। यहाँ में आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है जो 3D में फ्रॉन्क्स लिखा हुआ। तो बार लुक की बात करें तो भाई आपको काफ़ी अच्छा खासा लुक देखने को मिलता है फ्रॉन्क्स का, इस वजह से गाड़ी बहुत ही कम दिनों का अंदर भाई काफ़ी पॉपुलर मार्केट में हो चुका है। यह कुछ आपके ऊपर में शार्क फैन एक एंटेना देखने को मिल जाएगा, ऊपर में आपको रूफ रेल भी दिया जाता है कुछ इस तरह, और यहाँ में आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है। हालांकि आपको सनरूफ वगैरह नहीं दिया जाता है फ्रॉन्क्स में, क्यों पता नहीं भाई, मैं तो एक बार और छोटा कौन सा एक गाड़ी में देखा था सनरूफ दिया गया है सुजुकी की तरफ से, लेकिन इसमें नहीं देखने को मिल रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये है भाई कुछ गाड़ी का ओवरऑल साइड से व्यू, और यहाँ में आपको पेट्रोल टैंक देखने को मिल रहा है कुछ इस तरह। तो गाड़ी के भाई अंदर चलते हैं, और अंदर का मैं आपको स्पेस वगैरह दिखाने की कोशिश करूंगा क्या कुछ है। नया गाड़ी भाई रखा हुआ है, इसमें फ्यूल वगैरह नहीं ज़्यादा रखा हुआ होता है, इसीलिए लो फ्यूल का अभी आपको साउंड सुनने को मिला है। यहाँ पे देख पा रहे हो 360 कैमरा भाई फ्रॉन्क्स का कुछ इस तरह आपका सामने ओपन होता है। डिस्प्ले भाई काफ़ी बढ़िया फिनिश का साथ आपको दिया जाता है, जो काफ़ी बड़ा है आपका ये स्क्रीन, काफ़ी क्लासी टाइप का ये डिज़ाइन भी है। यह कुछ गाड़ी का कुछ डैशबोर्ड भाई देख पा रहे हो, यहाँ में कलर कम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया है गाड़ी का, जो डैशबोर्ड का काफ़ी भाई मतलब बढ़िया आपको एक रफ एंड टफ मतलब चीज़ दिया गया है अंदर में। और यह है कुछ आपका यह का सनवाइजर लुकिंग ग्लास का साथ, यहाँ में आपको बल्ब देखने को मिल जाता है हैलोजन में। और ये रहा कुछ आपका डे नाइट IRBM कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है भाई, ऑटो ये आपका सिस्टम इसमें है। और यह है कुछ आपका अप हैंडल,
और ये रहा कुछ आपका ब्लैक फिनिश का साथ, पियानो ब्लैक फिनिश का साथ आपको फिनिश डोर में देखने को मिलता है। यहाँ में आपको लेदर का भाई काफी अच्छा खासा यूज देखने को मिल जाएगा। यहाँ में आपको पूरा क्रोम का हैंडल दिया जाता है। ये रहा कुछ आपका ब्लैक फिनिश का साथ, एसीबीन का फिनिश। और ये रहा कुछ आपका काफी बड़ा ग्लोव बॉक्स भाई, यहाँ में आपको देखने को मिलता है, देख पा रहे हो कुछ इस तरह। और ये रहा कुछ आपका ऑटोमेटिक एसी, और ये रहा कुछ आपका वायरलेस चार्जर। फ्रॉक्स में भाई आपको हर एक चीज प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ में आपको यूएसबी का लाइन, यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट और एक अलग से दिया गया है। ये रहा कुछ आपका 5 स्पीड मैनुअल गियर लीवर, पियानो ब्लैक फिनिश का साथ, लेदर का कपड़ा भाई काफी अच्छा खासा इस सबसे देखने को मिलता है। ये रहा कुछ आपका फ्रॉक्स का, यहाँ में आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। इसको मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ, इसका अंदर भी आपको स्पेस मिलता है। ये रहा कुछ आपका हैंड ब्रेक। ये रहा कुछ आपका ड्राइवर साइड में चाइल्ड लॉक, एंड आपका जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड मिरर। और ये है कुछ आपका इस साइड में आपको शरा कंट्रोल वगैरह, ट्रैक्शन वगैरह कुछ इस तरह देखने को मिलता है। ये देख पा रहे हो, ये जो चीज़ काफ़ी बढ़िया है ये। और ये रहा कुछ आपका ड्राइवर साइड में भी लुकिंग ग्लास लगा हुआ है आपका जो सनविजर पे, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये रहा आपका यहाँ में भी लाइट देखने को मिल जाएगा। ये रहा कुछ यहाँ में आपको देखने को मिलता है जो हैलोजन में दो लाइट दोनों साइड में, कुछ इस तरह आप मैनुअली इसको कर सकते हो, और डोर ओपन होने के बाद ये जलता ही है। यहाँ में आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है जो आपका हेडरेस्ट, काफ़ी कंफर्ट वाला आपको सीट मिलता है फ्रॉक्स में। तो भाई गाड़ी रखा हुआ है, इसको मैं ज़्यादा देर तक नहीं रखूँगा स्टार्ट पर, क्योंकि लो फ्यूल का इंडिकेट किया गाड़ी ने। तो मिस्टर बंद करके आपको पीछे का हिस्से का कम्फर्ट वगैरह दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। और ये रहा कुछ आपका यहाँ पे मीटर भाई दिखाना भूल ही गया, 220 तक का आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है LED। यहाँ में आपको मिडिल पे डिजिटली हर एक चीज़ शो कर देगा, डिजिटली जो भी चीज़ चाहिए होता है ज़रूरी गाड़ी में, आजकल का गाड़ियों में आ रहा है हर एक चीज़ यहाँ में आपको अवेलेबल मिलता है। ये रहा आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक वाला स्टार्टिंग में फंक्शन मिलता है। और ये रहा कुछ आपका पियानो ब्लैक फिनिश का साथ स्टार्टिंग का डिज़ाइन भाई काफ़ी क्लासी टाइप का लग रहा है देखने को। तो ये रहा कुछ आपका गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट से हर एक चीज़ मैं आपको दिखा दिया। अभी स्टार्ट बंद करके भाई चलते हैं गाड़ी का पीछे। ये देख पा रहे हो ये चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक किस तरह फोल्ड होता है। तो चलते हैं गाड़ी का पीछे, पीछे का आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई मैं, कंफर्ट क्या कुछ है। तो गाड़ी भाई फिट से लॉक हो चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से जल्दी जल्दी से भाई। अंदर काफ़ी गर्मी हो रही है क्योंकि धूप में भाई गाड़ी खड़ा करके रखा हुआ है, तो अंदर पूरा गैस बन चुका है। ये रहा कुछ आपका देख पा रहे हो, तीन बंदे के लिए आपको आराम से हेडरेस्ट का साथ दिया जाता है। जो पीछे का सीट, ये आपको आराम से इसको फोल्ड करके आर्मरेस्ट बना सकते हो। और ये है कुछ आपका एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और ये है कुछ आपका पीछे का स्पेस भाई, काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है, देख पा रहे हो पैर पूरा आगे तक जाता है, मतलब फुल्ली आपको कंफर्ट वाला पीछे का सीट देखने को मिल जाएगा। यहाँ में आपको एसी वेंट देख पा रहे हो कुछ इस तरह, दो दिया गया है दोनों साइड से, आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये रहा कुछ आपका यहाँ में दो चार्जिंग सॉकेट देख पा रहे हो देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे आप मोबाइल रख सकते हो चार्ज पे लगा के। और ये है कुछ भाई आपका पीछे का हैंडल जो ऑटोमेटिक फोल्डेबल है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह मिलता है पावर विंडो का कंट्रोल। पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ में भी देखने को मिल रहा है दोनों पीछे का डोर में, दोनों साइड में म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा, सामने भी है पीछे भी है, कोई मिला जुला के भाई काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलता है। यहाँ में आपको कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है जो पार्सल ट्रे लगा हुआ है डिगी में, यही है आपका सामने जो टॉप मॉडल फ्रॉक्स अल्फा का रिव्यू और कंफर्ट वगैरह मैं आपको दिखाने की कोशिश। तो दोस्तों मेरा तरफ से अल्फा टॉप मॉडल फ्रॉक्स का रिव्यू, बाकी की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट दे दूंगा डीलर का, आप लोग कॉल करके हर एक डिटेल पूरा ले सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।